का जो उद्घाटन हो रहा है और आरजेडी ने कॉफिन से तुलना की है नए संसद भवन की। देखिए, इससे ज़्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है, उनको इतनी भी बुद्धि नहीं है। अरे, ये नया संसद भवन जो बना है ये जनता के पैसे से बना है और इसमें सभी दलों के लोग, भले आज उन्होंने बहिष्कार किया हो लेकिन कल सदन की कार्रवाई तो वहीं चलने वाली है। क्या राष्ट्रीय जनता दल ने तय कर लिया है कि उनके सदस्य परमानेंट बहिष्कार करेंगे? क्या वो लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे, राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे? और फिर कॉफिन का चित्र दिखाना, इससे ज़्यादा अपमान लोकतंत्र का क्या हो सकता है कि एक राजनीतिक दल इतनी घटिया मानसिकता पर उतर आए कि एक शुभ दिन जो देश के गौरव का दिन है, एक नया संसद भवन पूरे देश को समर्पित किया जा रहा है और उसकी तुलना एक मृत व्यक्ति को जिस बक्से में रखा जाता है, जो कॉफिन जिसको कहा जाता है, उसका चित्र उन्होंने आज ट्वीट किया है। ऐसे लोगों पर तो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, जिनको इतनी भी समझ नहीं है कि देश की नई संसद और दूसरी ओर कॉफिन का चित्र, इससे ज़्यादा अपमान लोकतंत्र का और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इतना ही नहीं, जेडीयू जो उनका अभी महागठबंधन का हिस्सा है, वो कह रहे हैं कि कलंक का दिन है। देखिए, कल नीतीश कुमार ने कहा कि नए भवन के बनने की आवश्यकता क्या है। तो नीतीश जी, तब आपने जब बिहार का ब्रिटिशकालीन पुराना म्यूजियम मौजूद था तो उसके जगह पर 1,000 करोड़ रुपया खर्च करके नया म्यूजियम क्यों बनाया? जब पटना के अंदर श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल एक बड़ा सभागार मौजूद था तो आपने बापू सभागार क्यों बनाया? तो नीतीश जी जैसा व्यक्ति इस तरह का गैर जिम्मेवाराना बयान दे, आपको नहीं आना है, बहिष्कार करना एक बात है, कि यह कहना कि इसकी आवश्यकता क्या है। 2026 के बाद जब नया परिसीमन होगा तो सदस्यों की संख्या बढ़ सकती है, वो कहाँ बैठेंगे? आज भी जब सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है तो अलग से कुर्सियाँ लगानी पड़ती लोगों को बैठने के लिए। तो अगर नया भवन बना है और पुराना भवन 90 साल पुराना हो गया तो उसका क्यों विरोध हो रहा है? और देखिए, इन लोगों ने कदम कदम पर विरोध किया, कोई ऐसा कदम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए, वहाँ भी इनकी याचिका खारिज हो गई। जब सिंह जो एम्ब्लेम था, नेशनल एम्ब्लेम, वो जब लगाया गया उस समय इन्होंने विरोध किया, शिलान्यास का विरोध किया। तो केवल इनको घृणा है, द्वेष है नरेंद्र मोदी से। लेकिन ये कलंक का दिन कह रहे हैं, क्या आप मानते हैं ऐसा? मैंने कहा कि तुलना कर रहे हैं, वही कह रहे हैं कि इनके एक सहयोगी कॉफिन से तुलना कर रहे हैं, इनके एक सहयोगी कह रहे हैं कलंक का दिन। इसमें क्या कलंक है, मुझे बताएं ना, समझाएं ना, इसमें क्या कलंक है? क्या देश के प्रधानमंत्री को अधिकार नहीं? और क्यों नीतीश जी ने बिहार विधानसभा का जो नया भवन बना उसका उद्घाटन क्यों किया उन्होंने, क्यों उन्होंने शिलान्यास किया? और बता दें, नीतीश कुमार की 17 साल में बिहार में एक भी भवन का उद्घाटन और शिलान्यास अगर उन्होंने राज्यपाल से कराया हो, आपको मौका मिला तो आपने खुद किया। और आज देश का प्रधानमंत्री, जिसको दूसरी बार देश की जनता ने जनादेश दिया है, वो जब उसका उद्घाटन कर रहे हैं तो आपको इतनी जलन हो रही, इतनी ईर्ष्या हो रही है। ये सुप्रिया सुले हैं, एनसीपी के सांसद हैं, वो कह रही है कि नया पार्लियामेंट बिल्डिंग का बिना ऑपोजिशन के उद्घाटन एक तरह से इनकम्प्लीट इवेंट है और इसका मतलब यह है कि कोई लोकतंत्र नहीं है देश में। अरे, आपने ना बहिष्कार किया, हमने तो आपको आमंत्रित किया, स्पीकर ने तो सबों को कार्ड भेजा, तो आपको आना चाहिए था कोई उद्घाटन करे। लेकिन आपको तो विरोध करना है कि इसका श्रेय नरेंद्र मोदी को न मिल जाए, बीजेपी को न मिल जाए। अरे, श्रेय तो मिलेगा ही उनको, नरेंद्र मोदी को, अगर 2.5 साल के भीतर इतना भव्य भवन बनकर तैयार हो गया। इसलिए मैंने तो कहा कि अगर अपोजिशन में हिम्मत है, कांग्रेस में, एनसीपी में, तो वो ऐलान करें कि ये अपवित्र भवन है, इस भवन के अंदर हम कदम भी नहीं रखेंगे और हम अपने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं।